एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ जीरो जे एमानक मध्यरु किए जीरो को उद्भावन करितले। जदि आमे देखिबा गणित क्षेत्र रे जीरो रो व्यवहार भारतीय माने करितले देखुन किए करितले ऑप्शन 1 कोची चरक, ऑप्शन 2 कोची चाणक्य, ऑप्शन 3 कोची आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 कोची बराबर। नॉर्मली आमे जदि देखिबा जीरो को किए उद्भावन करितले ना आर्यभट्ट करितले एवं आर्यभट्ट जणे कोना मैथमेटिशियन एवं एस्ट्रोनॉमर मध्ये थिले एवं तांकर बहुत सारा फेमस बुक अछि जेमिति प्रथम बुक होउछि आर्यभट्टियम ए बुक रो ना आपण मने रखि पारिबे एवं यहाँ पर रोचे दस गीतिका ए बुक रो ना को आपण मने रखि पारिबे। आउ गोटे होउछि ऋषभ गॉड थियोरी ऑफ इंडिया, ऋषभ गॉड थियोरी ऑफ इंडिया एटा को मन एई तीनोटी होउछि तांकर इंपोर्टेंट बुक्स। यहाँ पर क्वेश्चन आसीताय चरक कथा जदि कहिबा चरक जणे होचंदी फिजिशियन तांकर बही देला चरक चरक संहिता एवं चाणक्य चाणक्य होचंदी किए चाणक्य होचंदी चंद्रगुप्त मौर्यंकर होचंदी टीचर एवं तांकर फेमस बुक होची अर्थशास्त्र। बरा मिहिरंकर बहुत सारा फेमस वर्क रही से गुप्त पीरियड से विशेष कर बिलंगस करती बहुत सारा लेखा रही जपरी बरा मिहिर बृहत संहिता होकर फेमस वर्क। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहूँ जे द स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग कुषाण पीरियड व्हेन द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल इज नॉन एज। से कहूँ जे कुषाण समय रे गोटे कला विकसित होता गोटे चित्रकला जोटा कि भारतीय एवं ग्रीक स्टाइल रे मिलित भाव होता कौन कह जाए ऑप्शन 1 कौन कुषाण आर्ट, ऑप्शन 2 कौन पर्शियन आर्ट, ऑप्शन 3 कौन गांधार आर्ट, ऑप्शन 4 कौन मोगल आर्ट। जदि आम नॉर्मली देखा जोटा कि कुषाण समय रे भारतीय एवं ग्रीक शैली मिश्रण होता गांधार आर्ट बोली कह जाए ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कौन हयर वाज द फास्ट बुद्धिस्ट काउनसिल हेल्ड जे केउठारे प्रथम बुद्धिस्ट काउनसिल बौद्ध सम्मेलनी होता ऑप्शन 1 कौन वैशाली, ऑप्शन 2 कौन काश्मीर, ऑप्शन 3 कौन राजगृह, ऑप्शन 4 कौन पाटलिपुत्र। जदि नॉर्मली देखा फास्ट बुद्धिस्ट काउनसिल केउठी होता ना राजगृहटारे होता एवं एटा को किए करिथिले ना एटा को अजात शत्रु आपणकर जणे राजा थिले सीए करिथिले एटा को एवं तांकर सभापति किए थिले ना प्रिसाइडेड बाय किए थिले ना महाकाश्यप थिले एमानकर सभापति केबे होइथिला ना मने रखंतु एटा आइला 483 बीसी रे एटा करा जाइथिला मोस्ट इंपोर्टेंट एवं चारोटी बौद्ध सम्मेलनी उपर क्वेश्चन आसी था से चारोटी जाक मु कहिबी एवं लेखि रखियो। सेकंड बौद्ध जोटा कि काउंसिल होइतला सेटा को किए करितले ना सेकंडटा करितले कालाशोक आपणकर सेकंड बौद्ध सम्मेलनी करितले एवं केउटी करितले ना वैशाली ठारे करितले एवं केबे करितले ना सेटा करितले 383 बीसी जोटा कि बिफोर क्रिस्ट ख्रीष्ट पूर्व करते यार जो थिले आपणकर किए ना जो मुख्यतः किए सभापति तो करते ना शब कमी करते यार सभापति ये आप मन रखिपारे। देन आम जीवापुर सेकेंड गला थार्ड बुद्धिस्ट काउनसिल किए करते ना अशोक मौर्य किंग अशोक करते केउटी करते ना पाटलिपुत्र ठारे करते पाटलिपुत्र से करते किए थे ना यार जो सभापति बा पुरोहित किए थे मोगलीपुत यार थिले सभापति केबे करते ना 250 बीसी रे करते सबू जिनस निज एडिशनल इनफर्मेसन भाव में लिखि रखिबो। फोर्थ बौद्ध काउनसिल केबे किए करते ना कनिष्क करते कनिष्क किए मन रख कनिष्क होती कुषाण डायनेस्टी फेमस किंग एवं केउटी करते ना कुंडल बन गोटे जगह अच्छे काश्मीर से यार सभापति किए थे ना सभापति थे वासुमित्र थे यार सभापति बा पुरोहित करते केबे करते ना 72 72 से करते चारोटी बुद्धिस्ट काउनसिल
बेसिकली पढ़ी था से आपण मैंने मन रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज ए कंटेम्पररी ऑफ बौद्ध, जे के शासक बौद्धदेव बुद्धदेव समय थिले। ऑप्शन कौच उदयन, ऑप्शन टू कौच बिम्बिसार, ऑप्शन थ्री कौच अजात शत्रु, ऑप्शन फोर कौच महापद्म नंद। जदि आम नॉर्मली देखा जिते बड़े जोटा कि बुद्धदेव थे समय क्यों शासक थे क्यों शासन चलता बोली से कौच से किए ना बिम्बिसार। बिम्बिसार समय बौद्धदेव बुद्ध धर्मर प्रचार प्रसार होता एवं बिम्बिसार अजात शत्रु उदीन एम गोटे वंशर थे से वंश हूँ आपणकर हरिहंक वंश। हरिहंक डायनेस्टी थी डायनेस्टी ना महापद्मानंद हूँ नंद डायनेस्टी किंग यहाँ मन रख। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी क्वेश्चन कौन रोज देखा क्वेश्चन कहूँ जे ड्यूरींग द रिजन अफ ह्विच पल्लव रोलर विज्ञान द लंग ड्रम स्ट्रगल बिटवीन पल्लव एंड चालुक्य। से कहे क्यों पल्लव राजा समय जोटा कि पल्लव एवं चालुक्य मध्य संघर्ष होता। ऑप्शन वन कौच महा जोटी महेन्द्र वर्मन, ऑप्शन टू कौच सिंह विष्णु, ऑप्शन थ्री कौच नरसिंह वर्मन फास्ट, ऑप्शन फोर कौच महेन्द्र वर्मन सेकेंड। जदि आम नॉर्मली देखा जे चालुक्य एवं पल्लव मानक मध्य जो कन्फ्लिक्ट होता स्ट्रगल होता सेटा महेन्द्र वर्मन फास्ट तांक समय ही होता बोली विशेषकर जना जाए। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कौच हाउ मेनि स्पक्स आर दे आर धर्मचक्र अफ नेशनल फ्लाग। आम देखी आमर जो जातीय पताका रे धर्मचक्र अच्छी ये चक्रे केतोटी स्पक्स जोटा कि अर बोली आम कहते केतोटी अच्छे क्वेश्चन कौच। ऑप्शन वन कौच बाईसटी, ऑप्शन टू कौच अठरटी, ऑप्शन फोर थ्री कौच चबिशटी, ऑप्शन फोर कौच चौदहटी। आम नॉर्मली जब देखा से केतोटी स्पक अच्छे ना चबिशटी स्पक अच्छे एवं ये धर्मचक्रटा रही है क्योंटी आ लायन कैपिटल, लायन कैपिटल अशोक अशोकान पिलर जो लायन कैपिटल अच्छी सेठ आई जो चक्रटा कौन देखा ना प्रोग्रेसिवनेस ऑफ कंट्री माने देशर विकास को जो जो रही चक्र सेटा दर्शाऊ चक्र आम जानते आम देशर विकास उपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फ्रॉम व्हिच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट्स ओरिजिनेट। से कहूँ जे के आधुनिक माने राज्य अलवर संथ बा साधु मानू देखापी मिले। ऑप्शन वन कौच तमिलनाडु, ऑप्शन टू कौच केरल, ऑप्शन थ्री कौच कर्णाटक, ऑप्शन फोर कौच कन्ना महाराष्ट्र। देख समस्त को मुझे गोटे कथा कही रखी जदि आपण मैंने यार आंसर जाथे आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिपर। जदि आम नॉर्मली देखा यहाँ विशेषकर क्यों समय क्यों स्टेट्र ना यहाँ हूँ तमिलनाडु स्टेट्रे एवं ये अलवर सेंट्स मैंने किए थे ना तमिल पोएट थे तमिल लैंग्वेज कवि थे एवं से गुड़ाक विशेषकर रही। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कौन रोज देखा क्वेश्चन कौच जे ह्वाट इज मिलिंद पान। से कौच ह्वाट इज मिलिंदा पान से कौच मिलिंदा पान कौन। ऑप्शन वन कौच बुद्धिस्ट प्लेस, ऑप्शन टू कौच वन ऑफ द नेम ऑफ बुद्ध, ऑप्शन टू कौच बुद्धिस्ट स्पेशल मैन ऑफ आर्ट ए बुद्धिस्ट टेस्ट। जदि आम देखा टेक्स्ट जदि आम नॉर्मल देखा जोटा कि मिलिंदा पान सेटा हूँ कौन ना यहाँ हूँ बुद्धिस्ट टेस्ट यहाँ हूँ बौद्ध धर्म गोटे लेखा विशेषकर यार कौ भाषार लिखा था ना पाली लांगुएज लिखा जाता कौन ना मिलिंदा पान से लिखा जाता। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कौन रोज देखा क्वेश्चन कौच जे वेल प्रिफर्ड ट्री फॉसिल सपोज टू बी फॉर्म जोरासिक एज इन इंडिया रिपोर्टेड फॉर्म। से कहूँ जे ट्री फॉसिल से जोरासिक एज रे आसी जोटा कि क्योंटू मिली ऑप्शन एक कहे जोटा कि कहना पथुरगढ़, ऑप्शन टू कहे छत्तीसगढ़, ऑप्शन टू कहे रामगढ़, ऑप्शन फोर कहे बहादुरगढ़। जदि आम नॉर्मली देखा जो ट्री फॉसिल जोरासिक एज समय आसी क्योंटू आसी ना से विशेषकर आसी छत्तीसगढ़ ऑप्शन टू हूँ करेक्ट आंसर।
देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो क्वेश्चन जदि इम्पोर्टेंट लगुच निजर फ्रेंड्स मानक सहित सेयार कर एवं आंसर जदि जानिथिबो कमेंट बॉक्स रे लेख। देखो क्वेश्चन कौन कहुची ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सेक्ट ऑफ बौद्धिज्म। से कहुची एथिमदर केउडा बौद्ध धर्म सहित संपर्कित नुहे। ऑप्शन वन कहुची महायान, ऑप्शन टू कहुची हीनयान, ऑप्शन थ्री कहुची दिगंबर, ऑप्शन फोर कहुची थर्वेद। जदि आम देखा जोटा कि दिगंबर आतांबर से बौद्ध धर्म सहित कनेक्टेड नुह से जैनिज्म सहित कनेक्टेड। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बौद्ध कल्ट। से कहे बौद्धर बुद्धदेव जो प्रथम धर्म प्रवर्तन थी कौन कहा जाए सीटा कौन कह जाए ना धर्मचक प्रवर्तन सूत्र जोटा कि ऑप्शन टू हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची जे बुद्ध धर्म संघ टुगेदर आर नॉन एज। आम बौद्ध धर्म पढ़ी बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। एटा केउ धर्म का कौन कहा जाए यटा को त्रिरत्न बोली कहा जाए। ऑप्शन वन हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची हु वाज कॉल्ड लिच्छावी दौहित्र। जदि देखा लिच्छा लिच्छावी दौहित्र क्या कहा जाए बोली कहा जाए। देखो ऑप्शन वन कहे चंद्रगुप्त, ऑप्शन टू कहे स्कंदगुप्त, ऑप्शन थ्री कहे कुमारगुप्त, ऑप्शन फोर कहे समुद्रगुप्त। नॉर्मली मन रखत लिच्छावी दौहित्र क्या कहा जाए ना समुद्रगुप्त को कहा जाए। ऑप्शन फोर हूँ करेक्ट आंसर। एवं मन रखु समुद्र गुप्त जो थे जो पिता थे किए ना चंद्रगुप्त फास्ट थे से क्या मैरेज करते ना लिच्छावी राजकुमारी कुमार देवी को से कुमारी देवी को विवाह करते कुमारी देवी अनुसार जे कन्ना से लिच्छावी थे लिच्छावी दौहित्र क्या कहा जाए ना समुद्रगुप्त को कहा जाए। ऑप्शन फोर हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची महावीर फास्ट डिसिप्लिन वाज। से कहे डिसिप्लिन वाज जे महावीर प्रथम डिसिप्लिन किए थे प्रथम धर्म क्रिय ग्रहण करते। ऑप्शन एक कहे भद्रवायु, ऑप्शन टू कहे स्थूलवायु, ऑप्शन थ्री कहे कन्ना चरक, ऑप्शन फोर कहे जामार। जदि आम नॉर्मली देखा जे महावीर फास्ट डिसिप्लिन किए थे ना सीए थे जामाली एवं जामाली किए थे मन रखु सीटा सन इन ल सन इन ले मान कहना ज्वाई थे झील थे कौन ना अनुजा अनुजा को मेरेज करते किए ना जामाली। जामाली हूँ प्रथम धर्म से ग्रहण करते जोटा कि महावीर जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची जे बर्धमान महावीर इज अल्सो नॉन एज। जे बर्धमान महावीर जो थे से क्यों नाम परिचित थे। ऑप्शन वन कहे जिह्न, ऑप्शन टू कहे ग्रेट टीचर, ऑप्शन थ्री कहे ग्रेट प्रीचर, ऑप्शन फोर कहे जैन। जदि आम देखा बर्धमान महावीर से जिह्न नाम से परिचित थे ऑप्शन वन हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन एट फोल्ड पथ ऑफ बुद्धिज्म। देख बौद्ध धर्म जो अष्टांग मार्ग एट फोल्ड पथ थिला सेतिरे केउंटी माने इंक्लूड नुए। ऑप्शन आगो जे राइट स्पीच एटा थिला, राइट कंप्लीट कना कंटेम्प्लेशन एटा थिला, आ जो राइट डिजायर एटा नथिला, राइट कंडक्ट अच्छे तेज यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन थ्री राइट डिजायर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रोच देखा क्वेश्चन कहुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्ट सक्सीड द मौर्य। से कहुची जे केउ राजवंश मौर्य मानक परास्त कर मौर्य मानक ऑप्शन वन कहे सातवाहन, ऑप्शन टू कहे शुंग, ऑप्शन थ्री कहे कन्ना जवनस, ऑप्शन फोर कहे पांड्य। देख जेतबले जोटा कि मौर्य मानकर लास्ट किंग किए थे ना बृहद्रथ थे लास्ट किंग बा लास्ट रोलर
ତାକୁ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 185 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଶେଷ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ହୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ତିବେତ ୱାଜ୍। ସେ କହୁଛି ତିବତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପରାସ୍ତ ମାନେ ତିବତରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ କହୁଛି ନାଗାର୍ଜୁନ, ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ କହୁଛି ଅସଂ, ଅପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ମାଲି ତିବତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ନା ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଥିଲେ ସେ ତିବତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଚେଡ଼ି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଫ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ଖାରବେଳ ସେ ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଥିଲେ, କେଉଁଠି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଖାରବେଳ କେଉଁଠି ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗର। ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଫୁଲକେଶି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୋଲର୍ ଅଫ୍ ଦ। ସେ କହୁଛି ଫୁଲକେଶି ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କାହାର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ କହୁଛି ଚୋଳ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ କହୁଛି ଚାଲୁକ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଚାଲୁକ୍ୟ କଲ୍ୟାଣୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ କହୁଛି ପଲ୍ଲବ ଅଫ୍ କାଞ୍ଚି। ଯଦି ଆମେ ଫୁଲକେଶିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ଫୁଲକେଶିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚାଲୁକ୍ୟ ବାଦାମୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଜଣେ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ଦ ଉତ୍ତର ମେରୁର ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୋଳମାନଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ମେଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ, ଆମେ ମେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଅଛି, ହୟଂଶାଳ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଅଛି, କାକତୀୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତା କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେଉଁଟାକି ମାଲଖେଣ୍ଡ, ବାତାପି, ୱାରଙ୍ଗଲ, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ସେ କାହାର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଟା ସେ କହିଛି ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଭାତାପି ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଭାତାପି ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ବି ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ହୟଂଶାଳ, ହୟଂଶାଳଟା କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କ'ଣ ରହିଛି ସି, ସିଟା କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ମେଲଖଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏବଂ କାକତୀୟ ଆସିବ ୱାରଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଫେମସ୍। ତେବେ ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଯେ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ଅଶୋକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ। ଯେ ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବା କଳିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ କହୁଛି ପିଲର୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସେଭେନ୍ଥ, ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମହାଭସ୍ମ, ଅପ୍ସନ୍ କହୁଛି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13 ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦ ଗାନ୍ଧାର ଆର୍ଟ ଫରିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର, ଯେ ଗାନ୍ଧାର ଆର୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ଏ କହୁଛି କୁଶାଣ, ଅପ୍ସନ୍ ଟୁ କହୁଛି ସାତବାହନ, ଅପ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀ କହୁଛି ଗୁପ୍ତ, ଅପ୍ସନ୍ ଫୋର୍ କହୁଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧାର ଆର୍ଟ କେଉଁ ସମୟରେ ନା କୁଶାଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଅପ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି
which of the following inscription which one of the following inscription related to Chalukya king Pulakesin se kouji je keu inscription lo ame Chalukya king Pulakesi second kotha janandi option ko je Maski na option ko je Hatigumpa option 3 ko je Aihol option ko je Nasik jadi ame normally dekhiba Pulakesin kie se Chalukya dynasty ro jane famous greatest ruler thile तांको विषय रे आमे ओइहुल इंस्क्रिप्शन ओइहुल शिलालेख रे आमे जानिबा पई पांती एवं मने रखंतु एई ओइहुल शिलालेख को के रखिदिले ना रवि कीर्ति आपनकर रवि कीर्ति एटा को लेखिदिले एवं एटा मने रखंतु रवि कीर्ति किए थिले ना पुलकेसिन को समय रे से कोर्ट पॉइंट तांकर दरबारी कवि थिले के ना रवि कीर्ति से ओइहुल इंस्क्रिप्शन ले लेखि चंदे।